दोस्तों नमस्कार। दोस्तों हाल ही में नालासोपारा से एक ऐसी घटना सामने आई जिसने हर किसी को स्तब्ध कर दिया, चौंका दिया। दरअसल घटना कुछ ऐसी है कि एक स्कूल में पढ़ रही बच्ची के साथ ट्यूशन टीचर द्वारा मारपीट किया जाने पर उस बच्ची की हालत गंभीर बताई जा रही है और बच्ची को आईसीयू में वेंटिलेटर पर रखा जाने की नौबत आ गई। पूरी घटना बताए तो घटना कुछ ऐसी है, नालासोपारा अंतर्गत ओस्तवाल नगरी की जय माता दी बिल्डिंग फेज वन में रहने वाले अंबाराम पटेल की 10 वर्षीय बच्ची जिसका नाम दीपिका है, जो क्लास कक्षा 5 में पढ़ती थी। वो दीपिका पास ही के एक क्लासेज जिसका नाम रीना क्लासेज है, उस क्लासेज में ट्यूशन पढ़ने जाती थी। वहां बीते कुछ दिनों पहले एक दिन दीपिका कुछ छोटी बहुत मस्ती कर रही थी, इसी में वहां जो पढ़ाने वाली ट्यूशन टीचर है उसने गुस्से में, जिसका नाम रत्ना सिंह बताया गया है, उसने गुस्से में दीपिका के कान पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया और यह थप्पड़ इतना जोरदार था कि दीपिका को उसके कान के पीछे इंजरी हो गई। इतना ही नहीं, दीपिका की हालत खराब हो गई और दीपिका को नालासोपारा के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। लेकिन वहां भी जब और हालत बिगड़ी तब दीपिका को मुंबई के निजी अस्पताल में भेजा गया, जहां आईसीयू में उसका इलाज जारी है और दीपिका फिलहाल बहुत कुछ सहन कर रही है। इस समय ऐसी जो जानकारी दीपिका के पारिवारिक सूत्रों से सामने आई, ऐसा बताया जा रहा है कि रोज के कई हजार रुपए खर्च कर उसका इलाज करवाया जा रहा है और उसके परिवार इस समय काफी दुखों में, तकलीफ में है। इस मामले पर पुलिस में शिकायत हुई। नालासोपारा तुलिंस पुलिस स्टेशन के आला अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि क्लासेस के जो टीचर है उनके खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया जा चुका है और प्रक्रिया जारी। एक तरफ जहां पुलिस की कार्यवाही शुरू है तो वहीं दूसरी तरफ दीपिका के परिवार को इस समय आर्थिक रूप से मदद की जरूरत है और वो लोगों के पास मदद की गुहार लगा रहे। तो ये काफी चौंकाने वाली खबर पिछले बीते दिनों निकलकर सामने आई, जहां एक टीचर की मार की वजह से एक मासूम बच्ची की जान खतरे में पड़ गई। हम कामना यही करते, दुआ यही करते हैं कि अल्लाह उस बच्ची को ठीक कर दे जल्द से जल्द और वो वापस अपने परिवार से आकर मिले, वापस खुशियों से रहे। फिलहाल आगे वीडियो में देखिए क्या कुछ कहा दीपिका के परिवार के सदस्यों ने, वही नालासोपारा पुलिस स्टेशन के आला अधिकारी। आज के लिए अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। क्या नाम आपका? केवल राम। सर बताइए क्या पूरा मामला है, बच्चों को क्यों मारा था, क्या पूरा मामला? वो पढ़ने जाती थी, रीना क्लासेज में पढ़ने जाती थी, तो वहाँ वो उसने बोला ये मस्ती किया तो इसलिए थप्पड़ मार दिया कान पे, तो उसको जोर से लग गया। तो फिर वो यहाँ दिखाया, छोटे मोटे डॉक्टर को यहाँ के दिखाया तो यहाँ कुछ फर्क नहीं पड़ा, तो फिर उसको संजीवनी हॉस्पिटल एडमिट किया। फिर संजीवनी में भी उसका है ना मुँह जाम हो जाता था ऐसा, मतलब तो फिर वहां से उसको बोला ये इलाज इधर नहीं होगा, आपको कैंप में जाना पड़ेगा। तो बच्ची को कैंप में लेके गए, तो कैंप में वहां भी मान लो ये नहीं है, बेड खाली नहीं था आईसीयू का, बोला आप और कहीं व्यवस्था करो। फिर उसको फिर वो सोमैया हॉस्पिटल में भर्ती करवाए। अभी कैसी हालत है और क्या पूरा आप क्या चाहते हैं? अभी हालत तो उसकी, अभी डॉक्टर बोल रहे अभी फिलहाल कुछ नहीं बोल सकते, अभी इलाज चल रहा है, ये टिटनेस का ये हो गया है, तो डॉक्टर बोलते हैं इसमें बहुत गंभीर है, तो इसका पहले कुछ नहीं बोल सकते, 6-7 दिन के बाद में ही मालूम पड़ेगा। जो भी वही कार्रवाई होनी चाहिए और बच्ची का इलाज करवाए और क्या, बच्ची को ठीक करवाए। सर बताइए क्या पूरा मामला है, छात्रा को मारपीट की है? हाँ, इसमें जो कंप्लेंटर है उन्होंने कंप्लेंट ऐसी दी है कि उसको थप्पड़ मारा है उनके टीचर ने, जो ट्यूशन टीचर है,
उसने, और उसके वजह से उसके कान के उधर कुछ उसकी बाली रहती है कान की, और लग के कुछ सेप्टिक हुआ ऐसा उनका कहना है तकरारदार का। अभी जो भी वो टीचर है उसको भी हम तहकीकात उससे किए है, उसके जवाब भी लिए हमने, और जो बालिका है उसके ऊपर भी अभी ट्रीटमेंट चालू है के जे सोमया चुनाभट्टी जो अस्पताल है उसमें अभी ICU में एडमिट है, उसके ऊपर उपचार चल रहा है। ये जो टीचर है या किसी को अरेस्ट किया है क्या उसने? उसमें से वो जो टीचर है उसको नोटिस दिया है हमने BNSS में 35(3) के अंतर्गत। हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।